दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हेयर्स की पीआरपी कराने के बाद हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमको केयर करना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम हेयर की पीआरपी करें तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। अब आज मैं बता रही हूँ आपको कि हमें किस तरीके से अपने हेयर की केयर करनी है। सबसे पहली बात कि हमको सन एक्सपोजर से बचाना चाहिए, क्योंकि यूवी रेज हमारे ग्रोथ को कम कर देती हैं, हेयर्स की ग्रोथ को। इसलिए सन प्रोटेक्शन करना चाहिए, कैप का उपयोग करना चाहिए। हमें जब भी हम हेयर्स में शैम्पू करें तो बहुत हार्ड शैम्पू भी उपयोग नहीं करना चाहिए। माइल्ड शैम्पू और नेचुरल शैम्पू जो है उपयोग करने हैं। इसके अलावा हेड को जब भी वॉश करें तो सौम्य तरीके से, जेंटल वे में यूज करें। ऐसा नहीं कि हम जोर जोर से हेड को रब कर रहे हैं पीआरपी ट्रीटमेंट के बाद। तीसरी बात होती है कि हमको बहुत केयर करनी है अपने हेयर्स की, और जो खाना खाना है वो भी हेल्दी खाना है। बहुत ऑयली फूड हमको अवॉइड करना है, संतुलित खाना खाना है। ऐसा खाना खाना है जिसमें हाई प्रोटीन हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, ओमेगा 3 फैटी रिच वाला खाना जो हो सकता है, हेल्दी फूड्स खाना है, वेजिटेबल्स खाना है। एवं पीआरपी ट्रीटमेंट जब भी हम कराते हैं तो हमको हाइड्रेशन का स्पेशली ध्यान रखना है कि हमारा हाइड्रेशन अच्छा रहता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है। तो पानी हमको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, जूसेस लेना है, मिल्क ले सकते हैं आप, छाछ ले सकते हैं आप। तो हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी ड्रिंक्स लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस थे। सबसे पहले हमको जेंटल वॉश करना है, नेचुरल शैम्पू का उपयोग करना है, हैंड वॉश जो हेयर वॉश कर रहे हैं उस समय बहुत रब नहीं करना है, टॉवल से भी हेयर्स को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, हेल्दी फूड लेना है, हेल्दी ड्रिंक्स लेना है, सन एक्सपोजर से बचाना है, और सन एक्सपोजर से हमको बचाना है, स्मोकिंग वगैरह को भी हमको अवॉइड करना है। तो ये सारी वो बातें थी जो हमें केयर करनी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि केवल मैं स्किन और हेयर्स का ही ट्रीटमेंट करती हूँ। इसके अलावा बाकी अन्य ट्रीटमेंट होम्योपैथी में सारी बीमारियों का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, और मेरे सारे पेशेंट जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं, पाइल्स के लिए, फेसर के लिए, उष्टला के लिए, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस के लिए, इसके अलावा महिलाओं की जो आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, और मेनोरेजिया, पीरियड्स गड़बड़ हो रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है या कम ब्लीडिंग हो रही है, ये सारी परेशानियों का भी मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। तो जो लोग भी मुझे दिखाना चाहते हैं वो समाधान क्लिनिक पर मिल सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।